सकते हैं कि किस्मत किसकी कहां चमक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हेडलाइन भोजपुरी के सुपरस्टार फिल्म एक्टर खेसारी लाल यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक गाने से रातों रात सुपरस्टार बनने वाले खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, जो रिलीज होने से पहले ही हिट हो गई है। खेसारी लाल आज जिस मुकाम में है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, वो आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। छपरा जिले के रहने वाले खेसारी लाल लिट्टी की दुकान लगाने से पहले से गिल्ली में धागा की कटाई करते थे। उसके बाद उनके पापा ने उनकी शादी करवा दी, जिसके बाद वो घर का खर्च चलाने के लिए दिल्ली के ओखला के संजय कॉलोनी में लिट्टी का दुकान चलाने लगे। इस कार्य में उनकी पत्नी भी उनका सहयोग करती थी। यह सिलसिला करीब 2.5 सालों तक चला। इसी दौरान खेसारी लाल की BSIF में नौकरी लग गई, मगर उनका मन नौकरी में नहीं लगा, इसलिए वो नौकरी छोड़ दिल्ली आ गए। खेसारी को गाने का बहुत शौक है। उन्होंने कुछ पैसे बचाकर खुद का एक एल्बम निकाला और एल्बम हिट हो गया और लोग खेसारी लाल को पहचानने लगे। गौरतलब हो कि खेसारी लाल भोजपुरी फिल्मों में काम करने से पहले भोजपुरी में गाना गाते थे। कई गाने फ्लॉप हो गए, मगर एक गाने ने खेसारी लाल को रातों रात फेमस कर दिया। 2008 में खेसारी का गाना फौजी केकरा से लड़पिया अरब गई लेना हिट हो गया। इस गाने की करीब 70-80 लाख सीडी बिकी थी। खेसारी ने बताया कि इसके बाद इन्हें पहली फिल्म मिली साजन चले ससुराल, जो सिल्वर जुबली साबित हुई। इस फिल्म के लिए खेसारी को 11,000 रुपए मिला था। इसके बाद खेसारी के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। खेसारी ने बताया कि अब तक 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुका हूं, जिनमें से 5 फिल्में तो लगातार सिल्वर जुबली रही। खेसारी ने